हेलो ऑल, सो आई एम बैक विद वन मोर वीडियो। और आज हम सीखेंगे पीडीएफ बनाना। फोर्थ क्लास के लिए नया है बिकॉज़ वो फर्स्ट टाइम अपना सब्जेक्टिव पेपर देंगे, तो वो ध्यान से देखेंगे और सब भी एक बार ही रिवाइज कर लेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं। आपके फ़ोन में आपके प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐप होती है जिससे हम पीडीएफ बना सकते हैं। सो यू कैन मेक पीडीएफ विद एनी ऑफ योर ऐप, कैम स्कैनर से या पीडीएफ कन्वर्टर से, इट इज़ योर विश बेटा, ठीक है। सो बेस्ट तरीका जो होता है वो हमारे पास है कि हम सबसे पहले ड्राइव पे जाते हैं, ठीक है। तो ड्राइव पे गए हम, ये सबके फ़ोन में होती है, नहीं होगी तो आप अपलोड डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, अदरवाइज ये आपके होगा ही होगा प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना मेल जो भी आप एक्टिव होता है आपके फ़ोन में वो आप एक्टिव अपना यहाँ पे मेल एड्रेस कर देना। अब करना कैसे होता है पीडीएफ, तो देखो नीचे आप देखो राइट साइड लोअर कॉर्नर पर देखो एक प्लस का साइन आ रहा होगा, तो इस प्लस के साइन को जब आप प्रेस करोगे तो आपका ये फोल्ड खुल जाएगा सारा का सारा चीज़ें। सो वॉट यू हैव टू डू, आपके पास बड़ी सारी ऑप्शंस होती हैं इसमें, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ना आपके पास, स्कैन का ऑप्शन देख रहे हो बेटा, लास्ट में फर्स्ट रो में लास्ट में देखो, तो स्कैन के ऑप्शन को आप प्रेस करोगे, स्कैन से आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। देन यू विल क्लिक वन पिक्चर, जो भी आपकी पिक्चर होगी ध्यान से पिक्चर को क्लिक करना कि आपका पूरा का पूरा पेज आए, ऐसा ना हो कि अपलोड करो और क्वेश्चंस कटे हुए हों उसमें। तो प्रॉपरली अच्छे से कैमरे को फिट करना एंड क्लिक वन पिक्चर, टिक करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट, अब आप प्लस का साइन देखो नीचे, क्योंकि आप हो सकता है कि आप दो शीट्स पे करो पेपर, थ्री शीट्स पे करो, है ना। पीडीएफ बनाने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि हम एक ही फोल्डर में सारे की सारी अपनी इमेजेस अपलोड कर देंगे। अब नीचे देखो लेफ्ट कॉर्नर में एक प्लस का साइन आ रहा है आपका, नीचे बिल्कुल नीचे बॉटम में। तो प्लस का मतलब है कि मैं और शीट्स ऐड करना चाहता हूँ, अभी मुझे और इमेजेस अपलोड करनी है, तो मैं इसको क्लिक करूँगी। नाउ अगेन कैमरा ओपन हो जाएगा, नाउ अगेन आई विल क्लिक वन मोर पिक्चर, टिक करूंगी। और ऐसे आप टिक करते करते देखो 2/2 आ गया ना, इसका मतलब दो इमेजेस आ गई हैं आपकी। तो ऐसे आप बहुत सारी इमेजेस अपनी इकट्ठ कर सकते हो, जितने मार्क्स का आपका पेपर है, चाहे आप चार पेजेस में करो, पांच पेजेस में पेपर करो, बट अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर हमें दिखना चाहिए, आपका आंसर प्रॉपरली दिखना चाहिए, पेन जो आप यूज़ करोगे या पेंसिल जो भी आपको मैम ने बोला हुआ है आप जो भी यूज़ करोगे प्रॉपरली आंसर्स लिखना। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन करोगे सेव, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट का टाइटल ध्यान से देना बेटा, क्योंकि पता है क्या है कि आप जब गूगल फॉर्म पे अपलोड करोगे ना तो आपको डॉक्यूमेंट का टाइटल ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे टाइटल आप अच्छे से देना, एक सेकेंड, हाँ जी बेटा, टाइटल आप अच्छे से देना कि जैसे अगर आपने मैथ्स पेपर दिया है तो आप मैथ्स पेपर लिखना, और फाइनल्स जो भी आपको मैम बोलेंगी आप उसके हिसाब से मैथ्स पेपर फाइनल करके आप ऐसे कर लेना, क्योंकि ढूंढने में आसानी होगी आपको ये पीडीएफ, तो आप सेव करना, ठीक है। ये देखो अब 2 मिनट लगेंगे, वाईफाई हो या आपका इंटरनेट हो, मोबाइल डाटा हो, आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप ढूंढोगे कैसे, देखो सबसे पहले रीसेंट में सबसे पहली आपकी ये पीडीएफ फाइल दिखेगी आपको, देखो दिख रही है ना, मैथ्स पेपर फाइनल। सो दिस इज़ अ वे टू मेक द पीडीएफ इन योर फ़ोन। आप कैम स्कैनर से बना सकते हो, पीडीएफ कन्वर्टर से बना सकते हो, और फोर्थ क्लास के बच्चे तो प्रैक्टिस पहले से ही करेंगे बिकॉज उनके लिए फर्स्ट टाइम है ना बेटा। उसके बाद हम आपको बताएंगे पीडीएफ बनाने का ये तरीका है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि गूगल फॉर्म पे पीडीएफ को आप कैसे अपलोड करोगे। सो दिस इज़ द मेथड टू मेक पीडीएफ फाइल। होप आपको अच्छे से आ गया होगा, और प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आ जाता है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्रैक्टिस करो, ठीक है, अभी से। थैंक यू सो मच।